मालिक वाले हाईवे पकड़ना होगा जल्द से जल्द। एक और व्लॉग स्टार्ट करते ससीला पास से वापस बटालिक की तरफ जाते हुए, और सबसे कम है लोग, पहला तो नहीं कहूँगा पर कम लोग है जिन्होंने ससीला पास किया है, और ऑलमोस्ट हम अपनी बाइक वहाँ तक लेके आए, वहाँ रखी है हमारी बाइक। यहाँ से 10 किलोमीटर वापस ऑफ रोड जाना पड़ेगा और वहाँ से बटालिक। तो चलिए मोटो व्लॉगिंग करते स्टार्ट और मिलते हैं आपको फिर आगे। ससीला पास अनएक्सप्लोर जगह जो हम लोगों ने एक्सप्लोर करी है। चलते हैं नीचे और मिलते हैं बटालिक में। तो निकलते हैं बटालिक के लिए, और बटालिक से दहा आर्यन वैली, तो मेरे ख्याल से 4:30 बज गए होंगे, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। मिलते हैं मोटो व्लॉग पे, और मेरी बाइक गिरी हुई है, बाइक को उठाते हैं सबसे पहले। नहीं हाइट पे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, पकड़ने को ना। ठीक है चलो। काफी हाइट पे है, कितनी दूर है, कितनी भाई लेट हो रहे, 5 तो बच गए। भाई ट्रैकिंग है वहां, ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग। तो चलो, भाई बोल रहा है कि यहाँ से 2 किलोमीटर ससीला लेके, चलो एक बार देख के आते फिर। सामने ही ससीला लेक है, मुझे लगा कि 2 किलोमीटर ट्रैकिंग, पर 2 किलोमीटर ट्रैकिंग नहीं, सामने। और ये बांध बना रखा है संदोर खरबो के जो लोग हैं, अलग अलग गांव के जो लोग हैं उन्होंने, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ का पानी वहाँ जाए, तो यहाँ पे एक लेक रहे अपनी। तो चलते फिर यहाँ से, बाकी इतना ही है इसके बारे में। और अभी इसका पानी सूखा हुआ है पूरा, और ये जो पुल बना हुआ है या बांध बनाया हुआ है, ये यहाँ के लोकल लोगों ने अपने हाथों से बनाया हुआ है बांध। टॉफी खाओगे? टॉफी लो, टॉफी लो, फटाफट लो टॉफी। 1, 2, 3, 4 क्या कहना, नाम बताओ, क्या नाम है? एक एक ले लो सब, है ना, एक एक ले लो, वो ले लो, दे दो भाई, दे दे। इसको 2 देना यार, क्या नाम है इसका? और दो। लो। क्या नाम है इसका? आपके पास आ गई? क्या नाम है? क्या? आ गई ट्रॉफी, आ गई ट्रॉफी, आ गई आपके पास, आपके पास। मुस्तफा। ला। टॉफी लाओ, टॉफी, ठीक है। हाँ तो यही वो कट है जहाँ से हम लोग ससीला पास जा रहे हैं, ये है लालुंग विलेज। सॉरी, इंजन ऑयल तो नहीं है भैया, इंजन ऑयल, क्या हुआ? पूरा खत्म हो गया, आपको यही लोकल हो क्या? नहीं
हमले से आगे था, द्रास जा रहा था। द्रास जा रहे हो? ये इस तरफ है। अच्छा, इस तरफ इंजन खराब हो इसका, ठीक है। तो है नहीं इंजन ऑयल, इंजन ऑयल है नहीं तो फिर खराब ही इंजन। नहीं, ये लीकेज हो गया ना, जो लीकेज हो गया, हाँ उसके पूरा लीकेज होकर खत्म हो गया। ओके, यहाँ ऊपर गाँव है, यहाँ ऊपर हाँ वहाँ मिल जाएगा चांस है। वहाँ ऊपर ऑयल कैसे मिलेगा भाई? नहीं, कोई ना कोई इंजन ऑयल हो, तेलिया ऑयल, ये वाला तेलिया ऑयल जो नीचे आता है, इंजन ऑयल गिरा है नीचे, तो वो तो कहाँ मिलेगा भाई यहाँ पे ऑयल? ऊपर बाइक रखी है लोगों के पास, लेकर है बाइक थी ऊपर। चलो भाई, नहीं होगा, नहीं तो लोड करवा लो बाइक, और तो क्या होगा ज्यादा। यही है सायना, ठीक है भाई। तो और ये जा रहा है बटालिक कट से, और इन भाइयों का ऑयल खत्म हो गया भाई, लीक कर गया पूरा, तो बाइक लोड होके द्रास ही जा पाएंगे फिर तो ये भाई, द्रास या कारगिल, सॉरी। तो अपन चलते हैं फिर आगे। तो वापस से हम अपनी रोड पे आ गए हैं, बटालिक वाली रोड पे, और कुछ ही देरी में हम लोग बटालिक क्रॉस कर देंगे। और बाकी सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कारगिल की, कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी कभी भी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा पेड़ है, बहुत ज़्यादा पेड़ है। तो जो ये सामने दिख रहा ना पूरा, ये पूरा का पूरा बटाली सेक्टर है, और ये इसकी पूरी पहाड़ियाँ। तो आई थिंक हो सकता है इन दो चार पहाड़ियों के पीछे हो सकता है पाकिस्तान की रेंज भी हो। पहले ये देख लीजिए, और यहाँ से करीब करीब आर्यन वैली मुश्किल से 15-20 किलोमीटर और होगी, तो हमें एक घंटा और लगेगा। तो 5:30 तो बज चुके हैं, और ये, और सबसे बड़ी बात, पूरा रोड बना हुआ है, बॉर्डर रोड जो भी है, ये पूरा रोड बना हुआ है, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है पूरा, और कहीं भी रोड जो पैचेस थे कहीं भी ख़राब नहीं थे। बाकी लालूंग से यहाँ आप आ सकते हो, बटालिक के लिए सीधा सीधा रोड है। तो यहाँ से 3 किलोमीटर है बटालिक सेक्टर, और वो सामने बटालिक है, और ये शायद गोम्पा है, शायद यहाँ ये गोम्पा है, गोम्पा नीचे नीचे क्यों, ये तनाजे तनाजे ये गोम्पा का है, गोम्पा है क्या ऊपर, मोनेस्ट्री नहीं है, अरे ऐसे ही एंट्री गेट बना रखा है। तो ये स्टार्टिंग हो गई बटाली गांव की, और शायद बीआरओ यहाँ काम कर रही है अभी, क्योंकि बीआरओ कैंप बना हुआ है यहाँ पे, छोटा सा कैंप बना हुआ है ऊपर की साइड। हम लोग इस टाइम बटालिक बॉर्डर एरिया में, बिल्कुल एकदम, मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है पाकिस्तान, और यहाँ पे लास्ट चौकी थी वो हमने क्रॉस कर दी, और उसकी तो हम ऑलमोस्ट बॉर्डर में ही है, मतलब बॉर्डर वाले बॉर्डर टारगेट पे हम, देख लो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक मंदिर है, बस उसी पे जा रहे हैं हम लोग। और फर्स्ट टाइम इतने पास से ऐसे वाले बॉर्डर देखेंगे जहाँ पे अलाउ नहीं होता जाना। तो यहाँ से दार्चिक है 23 किलोमीटर, और इतना ही आर्यन वैली जो हम कर रहे हैं, जहाँ हमारा रुकने का प्लान है, तो वो आर्यन वैली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है वैसे यहाँ से ही, या थोड़ी सी आगे होगी, क्योंकि आर्यन वैली बहुत बड़ा एरिया है एक पूरा, तो वहाँ पे दहा में हम लोग रुकने का प्लान है हमारा। तो और जो अभी हम अभी जो आपने ये देखा, ये पूरा बटालिक का आर्मी पोस्ट थी, यहाँ पे हमने वीडियो शूट नहीं करके क्योंकि सिक्योरिटी इशूज़ थे, तो ऑफिसरों ने हमें पहले ही मना कर दिया कि यहाँ पे कोई वीडियो मत लेना। और जो भी भाई थे हमारे रास्ते में गए थे कुछ, तो उनके साथ वहाँ चाय वाय पिए, बैठ के आराम से गर्मा गर्म चाय पिलाई, तो उसमें थोड़ा
थोड़ा सा आधा घंटा लग गया। तो अपने एरिए के मिल गए थे और पंजाब के है, कर्नाटक के है, काफ़ी वहाँ पे थे, तो मतलब अच्छा लगा। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आर्यन वैली। तो अभी हम लोग आर्यन वैली में के गांव दहा गांव में है। तो ये दहा गांव करीब बटालिक से 15 से 20 किलोमीटर है। तो आर्यन वैली की एक स्टोरी है, इन्हें आर्यन क्यों कहा जाता है, राइट आर्यन। तो यहाँ से भी सर है, यहाँ पे किसी उनके ऑनलाइन से पूछते बात करते हैं। और ऐसा कुछ होम स्टे जहाँ हम लोग रुके थे और सर के ये पूरे खेत हैं पीछे। और एक चीज़ और देखी मैंने यहाँ पे सामने, एप्पल, यहाँ पे इनकी भी खेती होती है। और वो हमारा होम स्टे ऊपर जहाँ हम लोग रुके थे, बहुत ही प्यारा है रूम वहाँ पे। और ये कुछ व्यू वहाँ के, ये ड्रेस ड्रेस है आपकी है। तो ये आर्यंस की ड्रेस है और कुछ इस तरह के इनके पहनावे होते हैं। एलेक्जेंडर आया था किसी टाइम पे, 2000 साल से भी ऊपर हो गए होंगे शायद। उन्हीं के वंश से जा? हाँ जी, हाँ जी, वो एलेक्जेंडर जो हमारा बॉस था वो, हाँ उन्हीं के वंशज है। जी जी जी, ठीक है। 2000 साल पहले, 2000 साल से पहले पता नहीं है कि इस टाइम पर आया हो, बोल के कोई नहीं बोल सकता। हाँ हाँ, लेकिन 2000 साल पहले आए थे, पहले आए थे, आए थे। अभी भी आते हैं जर्मनी से यहाँ पे? हाँ हाँ, जर्मनी से बहुत लोग, क्योंकि अभी तो जैसे बीमारी चल गया, नहीं आया। हाँ, नहीं तो बहुत आता था, 2 साल पहले बहुत आता था। ब्रीड के लिए भी आते हैं? हाँ जी, ब्रीड के लिए भी आते हैं। कितने विलेज है आर्यन विलेज यहाँ पर आसपास? यहाँ पर चार, चार द्राक्षिक, हनु हनु गरकानु, गरकोन, गरकोन, दर्चिक, दर्चिक। मेन कौन से इलाके में, मेन जो ये आर्यन के मेन से दहा और दहा है, खाली सिंगल सिंगल दहा। पहले जैसे पहले जहाँ से आया इधर आया था, फिर इसके बाद अवधि बढ़ते बढ़ते गया तो आस पास में चला गया लोग। ओके, ठीक है, सही है। चलो, तो ये यहाँ की प्रोफेशनल ड्रेस है, एक बार जूम कर दिखा देता हूँ मैं। ये आर्यंस की ड्रेस है जो कि अलेक्जेंडर है सिकंदर, उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग। जैसे सॉरी, दिखाऊँ फोटो? दिखाऊँ आर्यंस के गांव दहा विलेज को एक्सप्लोर करते हुए। और है क्या वैसे ये बकरी का शीश? असली सर, असली? हाँ। तो भाई ये बकरी का असली सर काट के और यहाँ गोम्पा पे लगाया हुआ, जिससे कि नजर ना लगे पूरा गांव ऐसा। और ये हमारा भाई है, हमारे साथ घूम रहा है यहीं पे।